गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप निश्चित ही अच्छे होंगे आप। और एडिटोरियल पढ़ने का कहीं कहीं अब आपको थोड़ा बहुत आनंद आ रहा होगा, स्पेशली उन बच्चों को जिनको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि एडिटोरियल उतना मुश्किल है नहीं जितना लगता है। लेकिन शर्त क्या है? दो तीन चीज़ों की। सबसे पहला कि आपके पास इतना, कहते हैं ना, वो हार्ड वर्क करने की एक जिज्ञासा हो, मीन्स एक कमिटमेंट हो आपके अंदर कि हम कमिटेड हैं पूरी तरीके से, पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा क्या हो आपके अंदर? परसेवरेंस हो, मीन्स सतत प्रयास करने की इच्छा हो। तीसरा क्या हो? ऑनेस्टी हो, मीन्स ईमानदार हो, कार्य में पूरी तरीके से अपना कंसंट्रेशन शो करते हो। अगर ये सारी चीज़ें आप मिलाते हैं तो निश्चित ही एडिटोरियल पढ़ना आपके लिए आसान हो रहा होगा। जिन बच्चों को थोड़ी बहुत परेशानियां आ रही हैं वो स्ट्रक्चर्स को समझें, छोटे छोटे सेंटेंसेस पढ़ें, छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ें और फिर उन्हें समझने की कोशिश करें, एक कॉन्सेप्ट डेवलप करें कि कैसे इनको हमको ले चलना आगे। ठीक है, चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला सेगमेंट जानते हैं आप, कोट दैट मोटिवेट्स यू। करें, नेवर लेट द फियर ऑफ स्ट्राइकिंग आउट यू फ्रॉम प्लेइंग द गेम। बहुत बार क्या होता है बच्चों, हारने का भय जो होता है, बाहर होने का भय, स्ट्राइक आउट होने का जो भय होता है, ये आपके मन में इतना घर कर जाता है कि आप खेलने से ही बचने लगते हैं, दूर होने लगते हैं। तो कोटेशन आपसे कह रहा है, नेवर लेट द फियर ऑफ स्ट्राइकिंग आउट स्टॉप, यानी हारने का भय कहीं आपको रोक न दे फ्रॉम प्लेइंग द गेम, गेम को खेलने से। यानी कहीं ऐसा आपके मन में ना आ जाए कि आप हार जाएंगे इसलिए गेम ही खेलना छोड़ दें। मीन्स कहीं ऐसा ना आ जाए कि आप असफल हो जाएंगे इसलिए सफल होने की चाहत ही खत्म कर दें। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए बच्चों। असफलता ही वास्तव में सफलता रूपी उस मकान का एक पिलर है। यदि असफलता नहीं मिलेगी ना तो सफलता का कोई मजा नहीं है। इसका मतलब खेल जरूर खेलना है, भले उसमें हमें हारना ही क्यों न पड़े। ठीक है, और हार कर ही जीतने वाले को क्या कहते हैं? बाजीगर कहते हैं, जानते हैं आप ना। तो पहला आपके सामने है, अपनी बाजीगरी दिखाएं और बताएं इस सिनोनिम टेस्ट में कि कौन कौन से वर्ड्स आपने तैयार कर लिए हैं। ब्रू आपका तैयार हो गया, ब्रू का क्या हो जाएगा याद है आपको? ब्रू मीन्स कोई चीज धीरे धीरे बनना आरंभ होना, मीन्स बी इन द प्रोसेस ऑफ, यही ना, मीन्स क्या करना उसका, इनिशिएट होना, मीन्स धीरे धीरे शुरू होना, बनना आरंभ होना। आयरनी याद है आपको? कोई व्यंग, कोई विडंबना, तो क्या हो जाएगा? सटायर हो जाएगा, व्यंग विडंबना। टायरेड याद है आपको? प्रलाप, निंदा वचन, जब कोई निरंतर आपको डिनाउंस करे, आपको क्रिटिसाइज करे एंग्री वर्ड्स के साथ, तो वो टायरेड करता है, मीन्स क्या करता है वो आपको? डिनंसिएशन कर रहा है, मीन्स आपकी आलोचना कर रहा है। डिनंसिएशन क्या होता है? आलोचना। प्रोनंसिएशन क्या होता है? उच्चारण होता है ना आपका। रिनंसिएशन क्या होता है? त्याग। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने स्कॉर्न। स्कॉर्न का सिनोनिम याद है आपको? स्कॉर्न मीन्स घृणा होती है ना, किसी के प्रति नाउन के रूप में अगर आप कहेंगे तो घृणा, और वर्ब के रूप में कहेंगे तो घृणा प्रकट करना, मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों? कंटेम्प्ट। इंसेंडेरी क्या है? कोई भड़काऊ चीज, यानी कोई आग लगाने वाली चीज, बहुत एक्साइट कर देने वाली, स्टिमुलस देने वाली, तो क्या हो जाएगा यहां पे आपको? फ्लामेबल हो जाएगा, कोई आग लगाने वाली चीज और शुद्ध रूप में भड़काने वाली चीज, वायलेंट कर देने वाली चीज। कोई स्क्रैप ऑफ याद है आपको? अलग कर देना, रिमूव कर देना, तो क्या हो जाएगा स्क्रैप ऑफ का? आइसोलेट। ठीक है, हेल दी माय किंग, तो हेल मीन्स क्या होता है? किसी को ग्रीट करना, मीन्स उसे अभिवादन करना, तो हेल का क्या हो जाएगा? ग्रीट, अभिवादन करना, स्वागत करने का कह सकते हैं आप। प्रोडिजियस याद है आपको? प्रोडिजी से बना है, प्रोडिजियस मीन्स विलक्षण, कोई ऐसा बच्चा जो प्रोडिजियस है, मीन्स उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज हैं, मीन्स गुण हैं, तो प्रोडिजियस मीन्स वर्सटाइल, मीन्स बहुमुखी प्रतिभा का धनी, जैसे विलियम शेक्सपियर को वर्सटाइल जीनियस कहा जाता है। इन्फ्लामेटरी एक तरह से वही है जो अभी आपने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कौन सा वर्ड बच्चों याद हो गया?
इनसेंडेरी। तो इन्फ्लामेटरी भी वही होता है, तो क्या हो जाएगा इन्फ्लामेटरी का, वायलेंट, जो अपने शब्दों से क्या फैला दे, हिंसा, भीड़ को हिंसा पे उतारू कर दे, उसका जो स्पीच होता है वो क्या होता है, इन्फ्लामेटरी होता है, मीन्स वायलेंट होता है। चलिए वर्ड्स हैं वो कैप के आपको, और पहला ईडियम ही आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिव इन द लर्च, कई बार एग्जाम में आया। एक्चुअली लर्च क्या होती है, मुसीबत, कोई डिफिकल्टी, कोई कॉम्प्लिकेटेड जो कंडीशन होती है वो लर्च होती है। तो लिव इन द लर्च, यू कैन अंडरस्टैंड इफ यू आर लिविंग समवन इन द लर्च, इट मीन्स यू आर लिविंग हिम इन डिफिकल्टी, यानी आप उसे मुसीबत में छोड़ दे रहे हैं, अर्थात लिव इन द लर्च मीन्स मुसीबत में साथ क्या कर देना, छोड़ देना, नहीं करिएगा बच्चों, मुसीबत में ही साथ दिया जाता है, कहते हैं ना वो सुख में तो सारे लोग पूछते हैं बट दुख में जो पूछे वही आपका सच्चा मित्र होता है। तो मुसीबत में साथ छोड़ देना मीन्स लिव इन द लर्च, ये एक idiom था आपका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है सेल्फ इफेसमेंट, आप ये वर्ड बच्चों जानते होंगे, आप इफेस, इफेस मीन्स मिटा देना, तो सेल्फ इफेसमेंट खुद को मिटा देना, लेकिन कैसे, जैसे बहुत बार आपको हॉस्टिलिटी का मीन्स शत्रुता का या किसी चीज का डर आ जाता है, एक टिमिडनेस आ जाता है, मीन्स कहीं कहीं भय हो जाता है, तो उस समय जब आप अपने को अलग थलग कर लें, क्या कर लें, सेल्फ इफेसमेंट में डाल लें, अर्थात इस डर से कि आपकी बदनामी हो सकती है, आपके मन में एक डर आ चुका है, तो जब आप सेल्फ इफेसमेंट में डाल लेते हैं मीन्स आपने अपने आप को उस सिचुएशन से क्या कर लिया, अलग कर लिया, आइसोलेट कर लिया आपने, क्योंकि आपके मन में एक प्रकार का भय आ चुका है। दिस इज अ सेल्फ इफेसमेंट मीन्स द एक्ट ऑफ मेकिंग वन सेल्फ आर वंस एक्शंस एटसेट्रा इनकॉन्स्पिकुअस, यानी अपने आप को महत्वहीन कर दें आप, स्पेशली बिकॉज ऑफ ह्यूमिलिटी और टिमिडिटी, अर्थात अपमान की वजह से या डर की वजह से जब आप अपने को महत्वहीन कर दें, उस कंडीशन से अलग कर लें, तो ये सेल्फ इफेसमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इंटरवीन, बहुत बार कंडीशन इतनी खराब हो जाती हैं कि लोगों को इंटरवीन करना पड़ता है, मीन्स क्या करना पड़ता है, उन्हें दखल देना पड़ता है, हस्तक्षेप करना पड़ता है, इसी इंटरवीन से इंटरवेंशन बना है हस्तक्षेप, तो वर्ब है आपकी ये इंटरवीन, क्या हो जाएगा, हस्तक्षेप करना। ठीक है, अर्थात जब आप किसी को इंटरशेड करते हो, इंटरपोज करते हो, इंसिनुएट करते हो, स्टेप इन करते हो, कट इन करते हो, मेडिएट करते हो, आर्बिट्रेट करते हो, कॉन्सिलिएट करते हो, या अगर मैं कुछ और वर्ड्स दे दूं आपको, बट इन करते हो आप, ये कट इन मैंने दिया है यहां पे, हाँ कट इन दिया गया है, बट इन हो गया, इसके अलावा ये वर्ड भी बार्ज इन करते हैं, इन अलग है बच्चों, बार्ज इन बी ए आर जी ई, बार्ज इन करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप हस्तक्षेप करते हैं आप। ठीक है, तो इंटरवीन क्या हो जाएगा वर्ब के रूप में, हस्तक्षेप करना, दखल देना, और इंटरवेंशन नाउन हो जाएगा हस्तक्षेप, दखल, इंटरप्शन जिसको आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आप पहले भी पढ़े होंगे अनप्रेसिडेंटेड, लाइफ में आपके बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो अनप्रेसिडेंटेड होती हैं, मीन्स क्या होती हैं, अभूतपूर्व होती हैं, जैसा पहले कभी न हुआ हो, तो अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व, ये एक एडजेक्टिव है आपका अनप्रेसिडेंटेड, यानी अनप्रेसिडेंटेड, ईडी जुड़ गया ना आपका। एक्चुअली वर्ड किससे बना होगा आप समझते होंगे, प्रिसीड से बच्चों, प्रिसीड क्या होता है, जो चीजें पहले घट चुकी हैं उन्हें आप प्रिसीड कर चुके हैं, तो प्रेसिडेंटेड जो चीजें पहले घट चुकी हो, तो अनप्रेसिडेंटेड जो चीजें पहले न घटी हो, अभूतपूर्व हो, यूनिक हो, वो अभूतपूर्व होते हैं, वो अनपैरल्ड हैं, वो अनइक्वल्ड हैं, वो अनमैच्ड हैं, वो अनराइवल्ड हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण हैं, स्ट्राइकिंग हैं, अलग हैं बिल्कुल, एक्सेप्शनल हैं, अपवाद स्वरूप हैं, विलक्षण हैं, प्रोडिजियस हैं, पढ़ा था आपने, विलक्षण हैं, एबनॉर्मल हैं, असामान्य हैं, एनामोलस हैं, अलग हैं बिल्कुल, असामान्य हैं, अटिपिकल हैं, अलग हैं, विशेष हैं, तो जो चीज अनप्रेसिडेंटेड हो, अनप्रेसिडेंटेड घटना कोई हुई हो, तो वो घटना अभूतपूर्व हुई है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्मे, डिस्मे क्या होती है, एक प्रकार की बेचैनी, एक प्रकार की निराशा, नाउन के रूप में आपका अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा,
तो डिसमे मीन्स कोई बेचैनी, कोई निराशा, कोई ऐसी स्ट्रांग फीलिंग जिसमें आपको निराशा या दुख प्रकट होता हो, तो वो एक प्रकार की आपके अंदर क्या है, एक डिसमे है। ठीक है, इसी से एडजेक्टिव आपका ये बन गया बच्चों, अगर याद हो आपको, डिसमल। ठीक है, तो ये एक प्रकार का अलार्म है, मीन्स एक प्रकार का कहीं कहीं आपके अंदर डर है, एक प्रकार का शॉक है, मीन्स सदमा है, एक सरप्राइज है, आश्चर्य है, एक कॉन्स्टर्नेशन है, बेचैनी है, एक कॉन्सर्न है, चिंता है। मीन्स डिसमे मीन्स बेचैनी या निराशा। कोई कहे आपके अंदर थोड़ी सी डिसमे दिख रही है, मीन्स आप डिसमल दिख रहे हैं, अर्थात आपके अंदर क्या है, निराशा है, बेचैनी है। शेम इनटू एक फ्रेजल वर्ब है, शर्मिंदा करना। एक्चुअली आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, बहुत बार आप कोई कार्य करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगा कि नहीं ये गलत है, और आपको अपने ऊपर शर्मिंदगी आई, तो उस चीज ने, जिस चीज ने भी आपको शेम इनटू किया, यानी उस चीज ने आपको शर्मिंदा किया, और आपको कार्य करने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। दिस इज शेम इनटू मीन्स मेक समवन एम्बैरेस्ड, किसी को परेशान कर देना, टू दे ओबे यू, सो दैट दे ओबे यू, ताकि वो क्या करने लगे, आपकी बात को मानने लगे, तो आप उन्हें शेम इनटू कर दे रहे हैं, शर्मिंदा कर दे रहे हैं, आप उन्हें ह्यूमिलिएट कर दे रहे हैं, अपमानित कर दे रहे हैं, शेम कर दे रहे हैं, शर्मिंदा कर दे रहे हैं, इनहिबिट कर दे रहे हैं, निंदा कर दे रहे हैं, टीज कर दे रहे हैं, चिढ़ा दे रहे हैं, डिग्रेड कर दे रहे हैं, उन्हें नीचा दिखा रहे हैं, अर्थात धीरे धीरे उनके अंदर कहीं कहीं वो एहसास आ रहा है। सो मोटू, ये आपका लैटिन वर्ड है, एक फ्रेज के रूप में, मैंने लिखा नहीं है, ये क्या है बच्चों, एक फ्रेज है। बहुत बार क्या होता है ना, कोड जो होती है वो स्वतः कॉग्निजेंस लेते हैं, यानी स्वतः कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस क्या होता है, किसी चीज की जानकारी, उसे अपने संज्ञान में ले आना। और सो मोटू क्या होता है, स्वतः, यानी जब वो कोई कार्य आप अपने आधार पे करें, खुद के बिना पे करते हैं, तो वो एक्शन आपका शो मोटू होता है। एक्चुअली ये वर्ड जो है बच्चों ना, ये वर्ड एक लीगल वर्ड है, कानून की भाषा के लिए, कोर्ट के लिए इसे हम यूज करते हैं। तो रिलेटिंग टू एन एक्शन, यानी कोई ऐसे कार्य से संबंधित हो, टेकन बाय अ कोर्ट ऑफ इट्स ओन एकॉर्ड, जो कोर्ट अपनी तरफ से लेती है, विदाउट एनी रिक्वेस्ट बाय द पार्टीज इन्वॉल्व, यानी जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, उनकी रिक्वेस्ट के बिना ही, कोर्ट अपने बिना पर अगर कोई कार्यवाही करती है, तो कार्यवाही उसका सो मोटो कहलाता है। ये वर्ड भी मैं बोल रहा था, कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस क्या होता है, कॉग्निजेंस में संज्ञान, हैविंग नॉलेज ऑफ, जब आपके पास किसी चीज की जानकारी है, तो आपके पास उसका कॉग्निजेंस है, अर्थात आप उसे अपने संज्ञान ले रहे हैं। अगर आप ये वर्ड ध्यान से देखेंगे बच्चों ना, तो शायद आपको थोड़ा सा इस वर्ड की आइडिया मिल जाएगा, रिकॉग्नाइज, दिस इज कॉग्निजेंस, ध्यान से देखें, COGNIS और COGNISE, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, यानी पहले आपने देखा हुआ है, तो कॉग्निजेंस यानी पहले से जानना, तो कॉग्निजेंस मीन्स संज्ञान, अर्थात जो आपके नॉलेज में आ चुका हो, यानी आपके अंदर एक अवेयरनेस आ गई है, आपके अंदर एक नोटिस आपको मिल चुका है, एक नॉलेज हो चुका है आपको, कॉन्शसनेस आपके अंदर, चेतना आ चुकी है, एप्रिहेंशन आ चुका है, उसकी कहीं कहीं आपके मन में आशंका आ चुकी है, परसेप्शन आ चुका है, एक अनुभव आ चुका है, रियलाइजेशन आ चुका है, आपको महसूस हो चुका है, एहसास हो चुका है, रिकॉग्निशन हो चुका है, आपको पहचान हो चुकी है, एप्रिसिएशन हो चुका है, आपको समझ में वो चीज आ गई है, अर्थात आपकी वो कॉग्निजेंस में आ गई, अर्थात संज्ञान में आ गई। कोर्ट अक्सर कुछ मामलों में कॉग्निजेंस में लेते हैं, मीन्स अपनी जानकारी में वो चीज रखते हैं। स्ट्रिंजेंट आप पहले भी पढ़े होंगे, स्ट्रिंजेंट मीन्स कोई जो हार्ड हो, मीन्स क्या हो, सख्त हो, कठोर हो, वो स्ट्रिंजेंट होता है। मीन्स अगर हम रेगुलेशंस के बारे में कहें, आवश्यकताओं, रिक्वायरमेंट्स के बारे में कहें, या कंडीशंस के बारे में कहें, तो जो स्ट्रिंजेंट एक्शन होता है वो एक कठोर कार्यवाही होती है। मीन्स वो कार्यवाही स्ट्रिक्ट है, वो कार्यवाही प्रिसाइज है, वो कार्यवाही एग्जैक्टिंग है, अर्थात बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल कठोर रूप में आपके सामने आ रही है, अर्थात वो फर्म है, रिजिड है, रिगोरस है, सीवियर, सबके मीन्स कठोर होता है बच्चों, स्टिफ है, हार्ड है, हार्ड एंड फास्ट है, जानते होंगे हार्ड एंड फास्ट एक ईडियम है, हार्ड एंड फास्ट, बल्कि लिख के मैं दिखा दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ये ईडियम है, हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट मीन्स
सख्त कठोर, जैसे देर आर सम हार्ड एंड फास्ट रूल्स इन दिस स्टेट, तो हार्ड एंड फास्ट सख्त। अनकंप्रोमाइजिंग, जिसपे समझौता ना किया जा सकता हो। ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन ला आपने सुना होगा, ड्रैकोनियन ला मतलब बहुत सख्त कानून। तो कहीं भी कोई स्ट्रिंजेंट एक्शन है मीन्स बहुत कठोर कार्यवाही है। अबेंडन, आप पहले भी पढ़े होंगे शायद, वर्ब के रूप में है आपका ये। अबेंडन मीन्स त्याग देना, मीन्स किसी चीज को गिव अप कंप्लीटली, कोई प्रथा हो या कोई कार्य हो, अगर आप उसे त्याग देते हैं तो आप उसे अबेंडन कर देते हैं। आपने रिनाउंस कर दिया यानी उस इच्छा का त्याग कर दिया, रिलिंक्विश कर दिया उस इच्छा का त्याग कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया उस प्रथा का त्याग कर दिया, फोरशेक कर दिया उस आदत को, आपने क्या कर दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया। तो अबेंडन मीन्स छोड़, जैसे आपको स्मोकिंग करने की आदत है, ईश्वर ना करे आपको स्मोकिंग करने की किसी को आदत है और फिर उसने कहा नहीं ये गलत है और वो आदत उसने छोड़ दी, तो उस आदत को उसने गिव अप कर दिया, मीन्स अबेंडन कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है फल्मिनेट। फल्मिनेट की शुद्ध मीनिंग क्या होती है बच्चों, कोई चीज फट जाना, विस्फोट हो जाना। तो बहुत बार आप इतनी तीव्र निंदा करते हैं कि आप शब्दों से फट जाते हैं, किसी के ऊपर पिल पड़ते हैं बिल्कुल। तो फल्मिनेट तीव्र निंदा करना, अर्थात टू क्रिटिसाइज एंड अपोज समबडी समथिंग स्ट्रांगली एंड विद ग्रेट एंगर, जब बड़ी बड़े क्रोध के साथ बहुत मजबूती से आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, विरोध करते हैं, तो आप उसे फल्मिनेट करते हैं। ठीक है, आप रेंट कर रहे हैं अर्थात उस पर तीखा वार कर रहे हैं, डिक्लेम कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, इन वे कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, डिनाउंस कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से निंदा कर रहे हैं, डिक्राई कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, क्वांडेम कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, सेंसर कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, डिस्परेज कर रहे हैं, लुक डाउन अपान कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, एक्सिक्रेट कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, विटुपरेट कर रहे हैं, उसे अपमानित कर रहे हैं। बच्चों ये वर्ड सेंसर ध्यान रखिएगा, अगर आप ये लिखते हैं ना CENSUR, इसके मीन्स निंदा करना होता है, लेकिन अगर आप CENSOR लिखते हैं सेंसर, तो इसके मीन्स होता है बैन कर देना, काट छांट करना, मीन्स रोक लगा देना। आपने सेंसर बोर्ड का नाम सुना होगा, वो SOR होता है। अगर SURE है सेंसर मीन्स आलोचना करना, निंदा करना, तो फल्मिनेट करना मीन्स वर्ब के रूप में निंदा करना। ये आपका एडिटोरियल है आपके सामने बच्चों, और ये ट्यूटोरियल बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा आपको अगर आपका एडिटोरियल पढ़ने में मन लगता हो तो। देखें, लिखा करें बिलेटेड है, यानी क्या है ये, बिलेटेड है यानी देर से ही सही, यानी देर से ये निर्णय आया है, बट वेलकम, लेकिन निर्णय जो है कैसा है ये, बट वेलकम यानी स्वागत योग्य निर्णय, यानी देर से ही सही बट वेलकम, लेकिन स्वागत योग्य है। क्या, ऑन सुप्रीम कोर्ट मूव, मूव याद हो गया होगा नाउन के रूप में आपको, कदम स्टेप, यानी सुप्रीम कोर्ट के का वो कदम ऑन माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट भी याद हो गया होगा आपको, यानी जो प्रवासी मजदूर हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट का जो कदम है, मूव है, उसी पर एडिटोरियल है, और उस पर जो निर्णय है उनका वो बिलेटेड है, देर से है, बट वेलकम, लेकिन स्वागत योग्य है। आफ्टर टेकिंग नोट ऑफ पैंडेमिक इंड्यूस्ड क्राइसिस, SC मस्ट नाउ इन्फोर्स राइट्स ऑफ द वल्नरेबल। पहले वर्ड्स देखते हैं, आफ्टर आप जानते हैं प्रीपोजिशन यहां पे है, अगर इसे आप कंजंक्शन में बदलना चाहें पूरी क्लास भी ले सकते हैं आप, ठीक है, तो यहां प्रीपोजिशन है After, क्योंकि अगर आपके मन में कैसे प्रीपोजिशन है, क्योंकि यहां देखिए क्लास नहीं है यानी कोई वर्ब नहीं है यहां पे, टेकिंग यहां बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब नहीं। तो आफ्टर टेकिंग नोट ऑफ पैंडेमिक इंड्यूस्ड क्राइसिस, नोट क्या है यहां पे, नाउन है, ऑफ क्या है यहां पे, प्रीपोजिशन है, पैंडेमिक इंड्यूस्ड किस चीज का काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और क्राइसिस क्या है, नाउन है। SC सुप्रीम कोर्ट नाउन है, मस्ट मॉडल है आपकी हेल्पिंग वर्ब, नाउ क्या है, अब यानी कब, तो एडवर्ब है, एनफोर्स क्या है, लागू करना यानी वर्ब है, राइट्स क्या है, अधिकार यानी नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन, द डिटरमिनर या आर्टिकल,
और वल्नरेबल आपको लगेगा एबल है तो यहां एडजेक्टिव है, लेकिन आपको एक रूल पढ़ाया गया बच्चों, जरूर आपने पढ़ा होगा रूल, मैं आपको दिखा रहा हूं। वो रूल ये है आपका कि अगर आपको याद हो कि जब आप लिखते हैं पुअर, इसके मीन्स गरीब होता है, जब आप लिखते हैं द पुअर तो गरीब लोग हो जाता है, जब आप लिखते हैं रिच तो धनी होता है, लेकिन जब आप लिखते हैं द रिच तो धनी लोग हो जाता है। यहां देखें द वल्नरेबल लिखा है, तो वल्नरेबल याद है आपको ना, वो लोग जो आसानी से शिकार हो जाते हैं परिस्थितियों के, तो वल्नरेबल एडजेक्टिव है, लेकिन उसके पहले क्या लग गया द, यानी द वल्नरेबल का मतलब सारे शिकार लोग, सभी शोषित लोग जो हैं वो इसमें आ जाएंगे, यानी यहां ये द वल्नरेबल आपका नाउन की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, करें आफ्टर टेकिंग नोट, नोट मीन्स यहां पे ध्यान में लेना, यानी आफ्टर टेकिंग नोट ऑफ पैंडेमिक इंड्यूस्ड क्राइसिस, यहां कॉमा है ना, यहां तक कि पैंडेमिक इंड्यूस्ड क्राइसिस, इंड्यूस याद है आपको प्रेरित करना, यानी एक तरह से मनाना किसी के किसी को, तो पैंडेमिक इंड्यूस्ड क्राइसिस यानी पैंडेमिक उस महामारी की वजह से प्रेरित, यानी उस महामारी की वजह से उत्पन्न जो क्राइसिस, जो संकट है, आफ्टर टेकिंग नोट, उस संकट का क्या लेने के बाद, नोट लेने के बाद, जानकारी में लेने के बाद, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट मस्ट नाउ इन्फोर्स राइट्स, सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, मस्ट नाउ इन्फोर्स राइट्स, सुप्रीम कोर्ट को उन अधिकारों को जरूर लागू करना चाहिए ऑफ द वल्नरेबल, जो अधिकार किनके हैं, वल्नरेबल, द वल्नरेबल यानी जो शोषितों के, पीड़ितों के अधिकार हैं, सुप्रीम कोर्ट को उन्हें जरूर ही क्या करना चाहिए, लागू करना चाहिए। कब, जब उस पैंडेमिक इंड्यूस्ड क्राइसिस को, यानी पैंडेमिक उस महामारी की वजह से उत्पन्न क्राइसिस को सुप्रीम कोर्ट ने आफ्टर टेकिंग नोट क्या लिया, आपने संज्ञान में लिया, अपनी जानकारी में लिया, तो अब उसे कम से कम उन पीड़ितों वल्नरेबल के लिए कहीं कहीं उनके अधिकारों को अब इन्फोर्स करना चाहिए, लागू करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर आप इसे व्हाट उस रूप में लेंगे कि यहां पे इसका टोन क्या है, तो आप समझते होंगे यहां सुझाव दिया गया है, लेकिन आप पूरा जब एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आप पाएंगे यह एक सीरियस टोन है, सजेस्टिव होने के साथ साथ सीरियस टोन है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिन पर हमको आपको कहीं कहीं सोचने की आवश्यकता है, सीरियस होने की आवश्यकता है, स्पेशली गवर्नमेंट के संबंध में। आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी जो कंडीशन है वो दिन ब दिन क्या होती जा रही थी या होती जा रही है, बिल्कुल एक क्राइसिस की तरफ उनकी कंडीशन बढ़ती जा रही है, एक संकट की तरफ बढ़ती जा रही। वो मजदूर जो बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े प्रदेशों में जाकर के रोजगार की तलाश में गए और ये सोच करके वहां रहे कि वो अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं, और जैसे ही 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन लागू कर दिया गया कोरोना की वजह से, तो फिर उनके पास ऑप्शंस जो हैं वो बचे नहीं। धीरे धीरे उनके संज्ञान में लाया गया या उन्हें धीरे धीरे पता चला कि ये जो कोरोना की वजह से उत्पन्न लॉकडाउन है ये कहीं कहीं महीनों चलने वाला है, तो धीरे धीरे उनके कहीं ना कहीं उनका कदम जो है वो वहां से निकलने लगा और वो अपने घर के लिए निकल गए। सरकार को उस समय कहीं कहीं एक ठोस कदम, कोई सॉलिड स्टेप लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नहीं लिया और कोर्ट में कई सारी चीजें गलत बताई और कुछ जगह पे कार्यवाही करने से अपने आप को बैक कर लिया, रिलेक्टेंट फेल किया, यानी कहीं कहीं उस पर सुप्रीम कोर्ट को उस समय जिस समय गलत जानकारियां सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ दी जा रही थी कि सड़कों पर कोई मजदूर दिख नहीं रहा है, ऐसा नहीं है, ये गलत जानकारी है, ये वो, ये सब जब कहा जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट को उसी समय कॉग्निजेंस में वो चीजें लेनी चाहिए थी, जानकारी लेनी चाहिए थी, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट पीछे हट गया। लेकिन देर से ही सही, अभी सुप्रीम कोर्ट को ये सब चीजें समझ में आई कि कहीं कहीं सरकार इस कुछ मामलों में असफल रही, यानी इनएडिक्वेसी का शिकार रही, कुछ लैप्सेस हुए हैं, यानी कुछ गलतियां हुई हैं जिनकी वजह से आज उन माइग्रेंट वर्कर्स की जो कंडीशन है वो बहुत बदतर हो गई है। दिस इज ऑन मींस दिस एडिटोरियल इज ऑन दिस काइंड ऑफ टॉपिक, यानी ये इसी पर है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, जो उसने कहा है, वो बिलेटेड तो है बट वेलकम, लेकिन कहीं कहीं स्वागत योग्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखें
इट इज अ मैटर ऑफ रिलीफ, आसान है बच्चों, इट इज अ मैटर ऑफ रिलीफ, ये राहत की बात है, इट इज अ मैटर की बात है, ये राहत की बात है, दैट की द सुप्रीम कोर्ट हैज एट लास्ट, एट लास्ट में समझ रहे होंगे बच्चों, ये एडवर्ब की तरह है, मीन्स अंततः, अंत में, यानी इट इज अ मैटर ऑफ रिलीफ, ये राहत की बात है, दैट की द सुप्रीम कोर्ट हैज के बाद देखिए वर्ब के थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट ने हैज एट लास्ट टेकन कॉग्निजेंस, टेक कॉग्निजेंस क्या होता है, संज्ञान में लेना, जानकारी में लेना, यानी राहत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अंततः अपने संज्ञान में लिया है ऑफ द प्लाइट ऑफ मिलियंस ऑफ इंटर स्टेट वर्कर्स, किनकी प्लाइट को, किनकी दशा को उसने, किनकी स्थिति को संज्ञान में लिया है ऑफ मिलियंस ऑफ इंटर स्टेट वर्कर्स, यानी अंतरराज्यीय स्तर पर जो वर्कर्स हैं, कामगार हैं, मजदूर हैं, उन लाखों जो मजदूर हैं उनकी दशा का उसने एट लास्ट अंततः टेकन कॉग्निजेंस क्या लिया है, संज्ञान में लिया है, इट इज अ मैटर ऑफ रिलीफ, और ये राहत की बात है। कौन से वर्कर्स बच्चों, लुकिंग फॉर, यानी कैसे बनाए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल को, हु वर लुकिंग फॉर या हु आर लुकिंग फॉर ट्रांसपोर्ट होम, यानी जो लुक फॉर, लुक फॉर मीन्स तलाश करना, खोजना, जो तलाश कर रहे थे ट्रांसपोर्ट होम, तलाश कर रहे थे कि उन्हें घर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट क्या मिल सके, कोई यातायात का साधन मिल सके, एंड रिलीफ और क्या मिल सके, उन्हें सहायता मिल सके, राहत मिल सके फ्रॉम द अनरिलेंटिंग मिजरी, मिजरी मीन्स परेशानी, यानी उस कड़ी कठोर परेशानी से, उस निर्दयी परेशानी से, निर्मम परेशानी से उन्हें राहत मिल सके और घर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट मिल सके, इसके लिए वो माइग्रेंट वर्कर्स लुकिंग फॉर, तलाश कर रहे थे वो, अनलीस्ड ऑन देम, जो परेशानी, जो कठोर परेशानी अनलीस्ड ऑन देम उनके ऊपर आ पड़ी थी बाय द लॉकडाउन, किसके द्वारा, उस लॉकडाउन के द्वारा, उल्टा पढ़ते हैं बच्चों, देखें करें, बाय द लॉकडाउन, लॉकडाउन के द्वारा अनलीस्ड ऑन देम द अनरिलेंटिंग मिजरी, यानी वो बहुत बड़ी जो परेशानी थी अनलीस्ड ऑन देम, जो उनके ऊपर आन पड़ी थी, अनलीस्ड क्या होता है बच्चों, पहले लीश जान ले, ये है लीश, लीश क्या होता है, वो पट्टा, वो चेन, वो स्ट्रैप जिसको कुत्ते वगैरह के गले में क्या करते हैं, बांधते हैं, लेके घुमाते हैं, तो लीश ये हो गया नाउन के रूप में, अरे वर्ब के रूप में क्या होता है लीश, लीश मीन्स किसी को नियंत्रित करना, उसको बांध देना, तो अनलीश क्या होगा, खोल देना, आ पड़ना, यानी वो अनरिलेंटिंग मिजरी, वो बड़ी परेशानी अनलीश्ड ऑन देम जो उनके ऊपर आ पड़ी थी, किसके द्वारा, उस लॉकडाउन के द्वारा, वो उससे रिलीफ चाहते थे, राहत चाहते थे, और घर जाने के लिए क्या चाहते थे, ट्रांसपोर्ट के लिए लुक फॉर, यानी वो तलाश कर रहे थे ऐसे इंटर स्टेट वर्कर्स की, लाखों वर्कर्स की प्लाइट को, दशा को सुप्रीम कोर्ट ने हैज टेकन कॉग्निजेंस, किसमें लिया है, अपने संज्ञान में लिया, और ये एक रिलीफ ऑफ मैटर, मीन्स मैटर ऑफ रिलीफ, राहत की बात है। अ थ्री जज बेंच, याद होगा बच्चों आपको, जो लोग शुरू से पढ़ रहे होंगे, एग्जाम में आपको जजेस दे दिया जाएगा, गलत हो जाएगा, अ थ्री जज बेंच, यानी तीन जज की एक बेंच, बेंच मीन्स पीठ, ठीक है, यानी तीन जज की एक बेंच, एक पीठ ने हैज इनिशिएटेड, इनिशिएट बहुत बार हो गया ना, शुरू किया है, क्या शुरू किया है, सोवो मोटू प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स कार्यवाही, शुओ मोटू मीन्स स्वतः, यानी सुप्रीम कोर्ट की एक थ्री जज बेंच ने क्या किया, हैज इनिशिएटेड सुओ मोटू प्रोसीडिंग, स्वतः कार्यवाही शुरू की है, बेस्ड ऑन, बेस्ड के साथ ऑन याद रखेगा, जो कार्यवाही आधारित है मीडिया रिपोर्ट्स पर, यानी मीडिया से प्राप्त रिपोर्ट्स पर, एंड रिप्रेजेंटेशंस, और उन रिप्रेजेंटेशंस पर, यानी उन प्रतिनिधित्वों पर फ्रॉम सीनियर एडवोकेट्स, जो रिप्रेजेंटेशंस किसके द्वारा किए गए थे, किसकी तरफ से थे, सीनियर एडवोकेट्स की तरफ से, इन पर आधारित हो करके सुप्रीम कोर्ट ने शुओ मोटू प्रोसीडिंग्स, यानी स्वतः ही कार्यवाही शुरू की है,
ऑब्जर्विंग दैट, जिसमें ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये परीक्षण किया जा रहा है, देयर हैव बीन इन एडवोकेसीज, इन एडवोकेसीज मीन्स होता है गलतियां, क्या होता है बच्चों, या असफलताएं कह लीजिए यहां पर, यानी उनके अनुसार कुछ न कुछ हैव बीन इन एडवोकेसीज, कुछ न कुछ असफलताएं रही हैं, एंड लैप्सेज, लैप्सेज गलतियां कमियां, कुछ न कुछ गलतियां रही हैं ऑन द पार्ट ऑफ द सेंटर, किसकी तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, एंड स्टेट्स और राज्य सरकारों की तरफ से, इन डीलिंग विद, याद कर लीजिएगा, इन डीलिंग विद द क्राइसिस, यानी उस क्राइसिस को डील करने में, संभालने में, फेस्ड बाय वर्कर्स, जिस क्राइसिस का सामना किसको करना पड़ रहा था, वर्कर्स को करना पड़ रहा था, ठीक है। इट नीड नॉट हैव कम टू दिस, इट मीन्स ये अवस्था, इट नीड नॉट हैव कम, नीड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ऐसा होने की आवश्यकता नहीं थी इस सेंस में, जैसे यू नीड नॉट हैव गॉन देयर, आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं थी, पास्ट में अगर आपको नीड नॉट को दिखाना है तो नीड नॉट के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लें, जैसे आपको किताबें खरीदने की आवश्यकता नहीं थी, यू नीड नॉट हैव बॉट बुक्स, तो इट नीड नॉट हैव कम टू दिस, यानी ऐसी हालत आने की जरूरत नहीं थी, दिस कुड हैव टेकन प्लेस 7 or 8 weeks अर्लियर, दिस कुड हैव टेकन प्लेस, टेक प्लेस मीन्स कोई चीज घटित होना, यानी ये घटना घटित होनी चाहिए थी 7 or 8 weeks अर्लियर, कब, 7 or 8 सप्ताह पहले, कौन सी घटना बच्चों, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज संज्ञान में लिया, वो चीज, दिस वो चीज कुड हैव टेकन प्लेस 7 or 8 weeks अर्लियर, वो 7 or 8 सप्ताह पहले होना चाहिए था, व्हेन, जब पेटिशंस मुकदमे वर फाइल्ड, मुकदमे दायर किए गए थे बिफोर द टॉप कोर्ट, किसके सामने, सर्वोच्च न्यायालय के सामने, ऑन बिहाफ ऑफ दोज, किसकी तरफ से मुकदमे दायर किए गए थे, उन लोगों की तरफ से, हु वर लेफ्ट इन द लर्च, लेफ्ट इन द लर्च, जो मुसीबत में छोड़ दिए गए थे अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत भर में, आफ्टर, कब, आफ्टर द सेंटर अनाउंस्ड अ लॉकडाउन, जब सेंटर ने, केंद्र सरकार ने क्या कर दिया था, लॉकडाउन घोषित कर दिया था विद जस्ट 4 hours नोटिस, वो भी कितने की नोटिस पर, 4 घंटे की नोटिस पर सेंटर ने लॉकडाउन घोषित कर दिया था, और तब वो लोग जो लेफ्ट इन द लर्च, यानी मुसीबत में, परेशानी में छूट गए थे, उनकी तरफ से जब सुप्रीम कोर्ट में, टॉप कोर्ट में पेटिशंस वर फाइल्ड, क्या दायर किए गए, मुकदमे दायर किए गए थे, उस समय सुप्रीम कोर्ट को इस चीज को अपने संज्ञान में लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया था। विद अ काइंड ऑफ सेल्फ इफेसमेंट, यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से अपने आप को सेल्फ इफेसमेंट, कहीं कहीं डर कहिए या जो भी कहिए, परिस्थिति बस कहिए, अपने आप को बैक कर लिया, बैकग्राउंड में डाल दिया, पृष्ठभूमि में चली गई, अर्थात कोई एक्शन नहीं लिया, एंड सेल्फ एब्निगेशन, सेल्फ एब्निगेशन क्या होता है, जब आप दूसरों के हित के लिए अपना हित त्याग दें, यानी कहीं 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 सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सेल्फ इफेसमेंट में चली गई, अर्थात अपने को महत्वहीन बना लिया, कोई निर्णय नहीं लिया, एंड सेल्फ एब्निगेशन किया, मींस क्या किया, सरकार के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने हित को त्याग दिया, नॉट इन कीपिंग विद इट्स इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री, और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो इसकी इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री है, यानी जो इस संस्था का इतिहास रहा है, नॉट इन कीपिंग विद, उससे उसने तालमेल नहीं बिठाया, अर्थात जो इस संस्था का इतिहास रहा है, उस इतिहास को इसने किनारे कर दिया और सेल्फ एब्निगेशन में चली गई, अर्थात सरकार के हित की रक्षा की, लोगों के हित की रक्षा नहीं की, और सेल्फ इफेसमेंट में चली गई, अर्थात अपने आप को महत्वहीन बना दिया, अर्थात कोई भी कार्यवाही नहीं किया। इसके साथ क्या हुआ, द कोर्ट हैड
देन एक्सेप्टेड, और तब यानी जब वो सेल्फ इफेसमेंट में चली गई थी, सेल्फ एग्नेशन का रास्ता दायर किया था, अपनी संस्था के इतिहास को भुला दिया था, उस समय द कोर्ट हैड देन एक्सेप्टेड, उस समय कोर्ट ने स्वीकार किया था द गवर्नमेंट्स स्वीपिंग क्लेम, यानी सरकार के स्वीपिंग क्लेम को स्वीकार किया था। स्वीपिंग क्लेम मतलब टू जनरल, यानी बिल्कुल आम बात जो सब पे लागू होता हो, यानी कोई जो विशेष न हो, अर्थात इसका मतलब जो कहीं कहीं गलत हो, यानी सरकार की उस गलत बात को उसने कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था, दैट की देयर वर नो माइग्रेंट्स ऑन द रोड्स एनी मोर। सरकार ने कहा कि सड़कों पर क्या नहीं है, नो मोर माइग्रेंट, नो माइग्रेंट यानी क्या नहीं है, मजदूर ही नहीं है। एंड दैट, और उसने यह भी कहा था सरकार ने कि द इनिशियल एग्जोडस, एग्जोडस क्या होता है बच्चों, जब ग्रुप से कोई लोग समूह के रूप में बाहर निकलते हैं तो एग्जोडस, एग्जोडस होता है। इनफ्लक्स क्या होता है, जब समूह में वापस आते हैं, समूह में आना इनफ्लक्स होता है, समूह से बाहर निकलना एग्जोडस होता है। लाइन फिर से देख लें बच्चों कहां से, हां, द कोर्ट हैड देन एक्सेप्टेड, तब सरकार ने स्वीकार, अरे कोर्ट ने स्वीकार किया था द गवर्नमेंट्स स्वीपिंग क्लेम, गवर्नमेंट के उस झूठे दावे को स्वीकार किया था, दैट की देयर वर नो माइग्रेंट्स ऑन द रोड्स एनीमोर, कि सड़कों पर क्या नहीं है, बिल्कुल भी मजदूर नहीं है। एंड दैट, और यह भी सरकार ने कहा था कि द इनिशियल एग्जोडस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम सिटीज, यानी शहरों से जो वर्कर्स का पलायन हो रहा है, शुरुआती जो पलायन हो रहा है टू देयर होम स्टेट्स, कहां के लिए, उनके अपने गृह राज्यों के लिए, हैड बीन सेट ऑफ, सेट ऑफ क्या होता है बच्चों, शुरू होना, किसी चीज का आरंभ होना सेट ऑफ होता है। यानी सरकार ने कहा कि जो शुरुआती पलायन हुआ वर्कर्स का फ्रॉम सिटीज टू देयर होम स्टेट्स, यानी शहरों से जब अपने अपने गृह राज्यों में मजदूर समूह के रूप में जाने लगे, तो हैड बीन सेट ऑफ, ऐसा इसलिए हुआ था बाई फेक न्यूज, क्योंकि एक फेक न्यूज, एक भ्रामक खबर चल गई थी, कौन सी, टू द इफेक्ट, यानी सामान्य रूप में कुल मिलाकर एक भ्रामक न्यूज चली थी, दैट की द लॉकडाउन वुड लास्ट फॉर मंथ्स, कि लॉकडाउन क्या चलने वाला है, महीनों चलने वाला है, इसलिए वो मजदूर जो थे वो एकजुड़स कर गए, शुरुआती रूप में एकजुड़स कर गए, पलायन कर गए उन शहरों से अपने गृह राज्यों की तरफ। ये किसने कहा बच्चों, सरकार ने कहा, समझ रहे होंगे, सरकार ने कोर्ट में क्या कहा, पहली चीज उसने गलत कहा कि सड़कों पर अब और मजदूर नहीं दिखाई दे रहे हैं, अब नहीं है, गलत था ये। दूसरी चीज उसने क्या कहा कि वो इसलिए एकजुड़स हुआ, इसलिए शहरों से वो अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे, राज्यों की तरफ, क्योंकि उनको ये फेक न्यूज दे दी गई थी कि ये जो पैंडेमिक है ये महीनों चलेगा, इसलिए लॉकडाउन में क्या होगा, महीनों चलेगा, ये चीज उसने दलील दी थी। इसमें कुछ सच्चाई भी है और कुछ गलत भी है। इन एन अनफॉर्चुनेटली लिमिटेड इंटरवेंशन, लिमिटेड इंटरवेंशन यानी बहुत कम हस्तक्षेप, न के बराबर हस्तक्षेप, इंटरवेंशन हस्तक्षेप दखल, यानी इन एन अनफॉर्चुनेटली यानी एक दुर्भाग्यपूर्ण सीमित दखल के दखल में द कोर्ट मेयरली एडवाइज्ड, मेयरली केवल, यानी उस समय कोर्ट ने केवल यह सुझाव दिया, क्या, द पुलिस, किसको सुझाव दिया, पुलिस को, टू ट्रीट द वर्कर्स ऑन द रोड्स विद काइंडनेस, क्या सुझाव दिया पुलिस को कोर्ट ने, कि उन वर्कर्स के साथ दयालुता के साथ पेश आया जाए, व्यवहार किया जाए, एंड डायरेक्टेड द मीडिया, और मीडिया को यह निर्देश दिया टू हाईलाइट द सेंटर्स वर्जन ऑफ द डेवलपमेंट्स, कि सेंटर के जो डेवलपमेंट्स हैं उनके जो आगे जैसे जैसे गतिविधियां बढ़ रही हैं, डेवलप कर रही हैं, उनके वर्जन को क्या करें, मीडिया दिखाए, ऐसा मीडिया को क्या दिया कोर्ट ने, डायरेक्ट किया, निर्देश दिया, और पुलिस को क्या निर्देश दिया कि वो उन मजदूरों के साथ काइंडनेस, दयालुता के साथ ट्रीट करें, मीन्स क्या करें, व्यवहार करें। द कोर्ट्स रिलेक्टेंस, रिलेक्टेंस याद है, अनिच्छा, अनविलिंगनेस, कोर्ट की जो अनिच्छा थी, कौन सी अनिच्छा, टू इंटरवीन, दखल देने की, कोर्ट दखल नहीं देना चाहता था, यानी दखल
न देने के पीछे जो उसकी अनिच्छा थी, मे हैव स्टेम्ड। स्टेम क्या होता है बच्चों? किसी चीज से निकलना, शुरू होना, जड़ होना। यानी द कोर्स रिलेक्टेंस टू इंटरवीन, हिंदी बना ले, यानी कोर्ट इंटरवीन करने के लिए क्या थी? अनिच्छुक थी। मे हैव स्टेम्ड, शायद इसकी वजह रही हो क्या? फ्रॉम अ बिलीफ, यानी कोर्ट को कहीं ये विश्वास रहा होगा इन लेटिंग द एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, यानी प्रशासन, शासन। यानी उसको ये विश्वास था इन लेटिंग द एग्जीक्यूटिव हैंडल द फॉल आउट। फॉल आउट याद है? वो परिणाम, यानी पैंडेमिक के स्वरूप जो परिणाम था। यानी कहीं गए उसे विश्वास था इन लेटिंग द एग्जीक्यूटिव हैंडल द फॉल आउट, कि जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, वो इस फॉल आउट को, अर्थात इस विपदा को, इस परिणाम को हैंडल करे, अर्थात इसको क्या करे? संभाले। ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल क्राइसिस, जो फॉल आउट किसका है बच्चों? ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल क्राइसिस, यानी एक अभूतपूर्व वैश्विक संकट का फॉल आउट है, परिणाम है। इसलिए कोर्ट चाहती थी कि सरकार, यानी द एग्जीक्यूटिव, खुद उसे लेट हैंडल, उसे क्या करे? संभाले। यानी समझ रहे होंगे आप, कोर्ट को क्या लगा कि यह एक अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल क्राइसिस है, यानी एक अभूतपूर्व वैश्विक वो है, क्राइसिस है, संकट है, इसका ही परिणाम हो रहा है सब कुछ। तो इसलिए उसको विश्वास था कि यह कार्य कौन कर सकता है? एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका ही कर सकती है। सो लेटिंग द एग्जीक्यूटिव हैंडल, इसलिए उसने उसे क्या करने दिया? हैंडल करने दिया, ठीक है। बट लेकिन इन द प्रोसेस, इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में इट अबैंडन, इट किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के लिए। इट अबैंडन्ड इट्स प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी, इसने यानी कोर्ट ने त्याग दिया, छोड़ दिया इट्स प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी, अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी को। कौन सी जिम्मेदारी? ऑफ प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स, यानी जो मौलिक अधिकार है उसे प्रोटेक्ट करने का जो इसका मुख्य जिम्मेदारी है, उसको कोर्ट ने क्या कर दिया? अबैंडन्ड, त्याग दिया, छोड़ दिया। क्या करके? एग्जीक्यूटिव को ये बिलीफ दिखा करके कि हां, आप इस फॉल आउट को, जो इस ग्लोबल क्राइसिस की वजह से है, हैंडल करें, जबकि उसको खुद उसमें इंटरवीन करना चाहिए था। स्पेशली किनके मौलिक अधिकार? विशेष रूप से ऑफ दोज, उनके मौलिक अधिकार, मोस्ट वल्नरेबल, हु आर मोस्ट वल्नरेबल, जो लोग सबसे अधिक शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनके मौलिक अधिकारों के प्रोटेक्ट करने की जो मुख्य भूमिका है, जिम्मेदारी है कोर्ट की, कोर्ट ने उसे अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया। सच वाज द रिजल्टेंट डिसमे, यानी इससे क्या हुआ? सच वाज द रिजल्टेंट डिसमे, रिजल्टेंट डिसमे परिणाम स्वरूप निराशा। सच वाज द रिजल्टेंट डिसमे, यानी इतनी अधिक परिणाम स्वरूप निराशा हुई, दैट की रिटायर्ड जजेज, जो रिटायर्ड जजेस थे, कॉल्ड इट आउट फॉर एपरेंट एब्डिकेशन ऑफ इट्स ड्यूटी। कॉल्ड इट आउट, उन्होंने इसे क्या कह के पुकारा? फॉर एपरेंट एब्डिकेशन, यह अस्पष्ट रूप से कहीं कहीं एब्डिकेशन ऑफ इट्स ड्यूटी है, कि कोर्ट ने अपने कर्तव्य को एब्डिकेट कर दिया, मीन्स क्या कर दिया? त्याग दिया, छोड़ दिया। यानी कोर्ट का जो कर्तव्य था, उस कर्तव्य को एब्डिकेट कर दिया, त्याग दिया उसने, ऐसा रिटायर्ड जजेज ने ऐसा कह के पुकारा। सच वाज द रिजल्टेंट डिसमे, इतनी अधिक उनके अंदर क्या आ गई थी? परिणाम स्वरूप निराशा आ गई थी। अ फार्मर हाई कोर्ट जज, फार्मर भूतपूर्व पहले के, यानी फार्मर हाई कोर्ट जज इवन सेड, यानी एक भूतपूर्व यानी पूर्व हाई कोर्ट जज ने यहां तक कह दिया, द घोस्ट ऑफ एडीएम जबलपुर वाज लिंगरिंग, कि अभी भी एडीएम जबलपुर वाज लिंगरिंग, कहीं कहीं लिंगर, रुके हुए, ठहरे हुए हैं। बच्चों एडीएम जबलपुर का यहां उल्लेख जो है 1976-77 में, जब इंदिरा गांधी ने यहां पे इमरजेंसी लागू की थी पूरे देश में, उस समय एडीएम जबलपुर ने कहा था कि इमरजेंसी के दौरान लोगों के मौलिक अधिकार बहुत मायने नहीं रखते हैं, तो
अब के जज ने, पूर्व जज ने कहा कि ऐसा लगता है द घोस्ट ऑफ एडीएम जबलपुर वाज लिंगरिंग, कि मतलब एडीएम जबलपुर का जो भूत है वो अभी भी यहीं कहीं है, इन एन अनफ्लैटरिंग रेफरेंस टू एन इमरजेंसी एरा जजमेंट। जो पूर्व जज किसका उदाहरण दे रहे थे, इमरजेंसी एरा जजमेंट, यानी इमरजेंसी के युग में दिए गए उस निर्णय का वो रेफरेंस दे रहे थे और कह रहे थे एडीएम जबलपुर वाज लिंगरिंग, ऐसा लगता है जैसे एडीएम जबलपुर अभी भी हो। अर्थात एक तरह से कोर्ट की ये क्या थी, आलोचना थी कि जिस तरीके से आपको दखल देना चाहिए था मामले में आपने वैसे ही दखल नहीं दिया, जैसे 1976-77 में एडीएम जबलपुर ने इंदिरा गांधी की सरकार में दखल नहीं दिया था। इसका मतलब उनकी आत्मा अभी भी कहीं भटक रही है, जिसकी वजह से कोर्ट, इस समय के जो सुप्रीम कोर्ट है, वो कोई दखल नहीं दे रही है। नाउ जो जजमेंट अब मर्सीफुली ओवर रूल्ड, क्या कर चुका है, उसे समाप्त किया जा चुका है, ओवर रूल्ड किया जा चुका है, खारिज किया जा चुका है, दैट हेल्ड, जिस जजमेंट में 1976-77 के उस निर्णय में यह कहा गया था दैट की पर्सनल लिबर्टी, कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता वॉज नॉट एब्सोल्यूट ड्यूरिंग अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी की अवस्था में पर्सनल लिबर्टी वॉज नॉट एब्सोल्यूट, वो संपूर्ण नहीं हो सकती है, यानी आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहीं से भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती है, बड़ी नहीं हो सकती है जब इमरजेंसी की स्टेट हो उस दौरान, यानी अगर इमरजेंसी लगी है उस अवस्था में कोई भी किसी की पर्सनल जो लिबर्टी है वो पूर्ण स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कर सकती है। ऐसा किसने कहा था, एडीएम जबलपुर ने, तब भी उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन किया था। आज भी कोर्ट्स कहीं कहीं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या कर रही हैं, हनन कर रही हैं। इसीलिए पूर्व जजेस ने कहा कि हां ये एडीएम जबलपुर अभी भी लिंगर कर रहे हैं। वेदर इट वॉज शेम्ड इन टू टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द इशू, वेदर, चाहे इट किसके लिए है, सुप्रीम कोर्ट के लिए, वेदर इट वॉज शेम्ड इन टू, चाहे शायद ये शर्मिंदा हुई, इसे शर्मिंदगी फील हुई, टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द इशू, कि आप इसने इस मुद्दे को टेकिंग कॉग्निजेंस, क्या लिया आपने, संज्ञान में लिया, समझ रहे होंगे, शायद इसे क्या हुई हो, शर्मिंदगी फील हुई, शेम इनटू हुआ हो, मीन्स शर्मिंदगी फेल हुई हो, फील हुई हो, और तब इसने इस इशू को अपने संज्ञान में लिया हो, आर या फिर क्या हुआ हो, इट फेल्ट, कोर्ट ने महसूस किया हो दैट की द सिचुएशन इज राइप फॉर इंटरवेंशन, कि अब ये परिस्थिति जो है इज राइप, यानी अब ये परिस्थिति अनुकूल है फॉर इंटरवेंशन, यानी दखल देने के लिए। यानी दो चीजें, या तो शायद कोर्ट को इतनी शर्मिंदगी हुई हो कि इसने इस मामले को अपने संज्ञान में लिया, या फिर शायद उसे कोर्ट को लगा हो, उसने महसूस किया हो कि शायद अब स्थिति है इज राइप फॉर इंटरवेंशन, जिसमें अब वो दखल दे सकते हो। जो भी इन दोनों में से हुआ हो, वन शुड नाउ एक्सपेक्ट द कोर्ट, अब एक व्यक्ति कोर्ट से अपेक्षा कर सकता है, करना चाहिए, टू टेक अ मोर क्रिटिकल लुक, कि अब कोर्ट और क्रिटिकल लुक ले, यानी और ध्यान से, महत्वपूर्ण रूप से इन चीजों को देखे, एट द गवर्नमेंट्स लैप्सेस, कि सरकार ने गलतियां की हैं, एंड और एम्यूलेट द स्टेलर रोल, स्टेलर रोल क्या होता है बच्चों, मुख्य भूमिका, एम्यूलेट अपनाना, अनुसरण करना, और कोर्ट एम्यूलेट द स्टेलर रोल, और कोर्ट को मुख्य भूमिका अपनानी चाहिए, दैट वो भूमिका जो हाई कोर्ट्स आर प्लेइंग, जो भूमिका हाई कोर्ट्स अपना रही हैं इन होल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशंस अकाउंटेबल, जब वो हाई कोर्ट्स होल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशंस अकाउंटेबल, प्रशासन को क्या ठहरा रही हैं, अकाउंटेबल, जिम्मेदार ठहरा रही, यानी हो सकता है इस इशू को कॉग्निजेंस में लेने की वजह क्या रही हो, कोर्ट को कहीं शेम इनटू हुआ हो, मींस कोर्ट को शर्मिंदगी हुई हो, इसलिए उसने टेक इनटू कॉग्निजेंस लिया, ठीक है, संज्ञान में लिया, या फिर शायद कोर्ट को लगा हो कि हां अभी दखल देने का वक्त आ गया है, इसलिए उसने इस मामले में संज्ञान लिया, जो भी हो, लेकिन हम आप क्या कर सकते हैं,
अब कोर्ट से अपेक्षा कर सकते हैं कि अब वह इस पे मोर क्रिटिकल लुक ले, इसको गहराई से देखे, महत्वपूर्ण रूप में देखे, एट द गवर्नमेंट्स लैप्सेस, किसकी तरफ देखे कि सरकार से क्या हुई हैं, गलतियां हुई हैं, एंड एम्यूलेट द स्टेलर रोल, और उस मुख्य भूमिका को अपनाए जो मुख्य भूमिका हाई कोर्ट्स आर प्लेइंग. कौन अपना रही है? हाई कोर्ट्स अपना रही है इन होल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल, जिस भूमिका में सुप्रीम कोर्ट तो कह नहीं रहे लेकिन हाई कोर्ट जो है वो प्रशासन को क्या ठहरा रही है? अकाउंटेबल, जिम्मेदार ठहरा रही है. लास्ट पैसेज बच्चों देख लें, द टॉप कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है मस्ट नाउ फाइंड आउट, उसे अब ये पता लगाना चाहिए इफ कि क्या द सेंटर, कि क्या केंद्र सरकार विच इंपोज्ड अ स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन, जिसने एक कठोर लॉकडाउन क्या कर दिया, इंपोज्ड थोप दिया, टू बाय टाइम, किस लिए उसने लॉकडाउन थोपा, टू बाय टाइम, ताकि उसे कुछ समय मिल सके फॉर प्रिपेयरिंग द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी स्वास्थ्य के लिए जो आधारभूत संरचना है उसे प्रिपेयर करने का उसे क्या मिल सके, समय मिल सके. इसलिए उसने इस स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन को क्या किया, लोगों के ऊपर थोप दिया. क्या वो सरकार यानी सुप्रीम कोर्ट को ही पता लगाना चाहिए, क्या उस केंद्र सरकार ने हैड डिस्चार्ज्ड इट्स रिस्पांसिबिलिटीज, क्या केंद्र सरकार ने हैड डिस्चार्ज्ड इट्स रिस्पांसिबिलिटीज, क्या उसने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन किया था. इस चीज को सुप्रीम कोर्ट को क्या लगाना चाहिए, पता लगाना चाहिए. इट मतलब सुप्रीम कोर्ट. इट मे इवन ले डाउन, याद है ले डाउन, स्थापित करना, नींव रखना. इट मे इवन ले डाउन गाइडलाइंस, यानी सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, मे इवन ले डाउन गाइडलाइंस, इस प्रकार के दिशा निर्देशक तत्वों की स्थापना करनी चाहिए, उनकी नींव रखनी चाहिए फॉर प्लानिंग, योजना बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन सहयोग करने के लिए, एंड एस्टेब्लिशमेंट स्थापित करने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए, ऑफ अ मैकेनिज्म यानी एक तंत्र पूरा, एक मैकेनिज्म की प्लानिंग करनी चाहिए, उनका कोऑर्डिनेट करना चाहिए और उसे एस्टेब्लिश करना चाहिए. एक मैकेनिज्म को ये करना चाहिए किस लिए, टू एड्रेस द इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंस. जानता हूं बच्चों आप समझ नहीं पा रहे हैं, एक मिनट फिर से देख लें, आप यहां देख लें. इट मे इवन ले डाउन गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट क्या करना चाहिए, कुछ दिशा निर्देश देने चाहिए, नींव रखनी चाहिए उनकी, क्या, फॉर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मैकेनिज्म, कि सरकार को एक ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए जो जिसमें वो प्लानिंग करे, योजनाएं बनाए, कोऑर्डिनेशन एक दूसरे सहयोग करे, एंड एस्टेब्लिशमेंट और कहीं कहीं चीजों को स्थापित करे, किस लिए, टू एड्रेस, ताकि वो निपट सके द इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंस, यानी जो आर्थिक और मानवीय परिणाम होते हैं आप सच एक्शंस, इस प्रकार के कार्यों का इन फ्यूचर, भविष्य में, यानी भविष्य में अगर इस प्रकार के कोई कार्य होते हैं तो इसके जो परिणाम होते हैं, कौन से परिणाम, इकोनॉमिक परिणाम और ह्यूमैनिटेरियन मानवीय परिणाम, उससे कहीं कहीं वो निपट सके, ऐसा एक मैकेनिज्म सरकार को बनाना चाहिए. इस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट को क्या देना चाहिए, उसे कहीं कहीं कुछ गाइडलाइंस स्थापित करनी चाहिए, उसकी नींव रखनी चाहिए. द गवर्नमेंट शुड आल्सो डू मोर देन, गवर्नमेंट को इससे ज्यादा करना चाहिए, किससे ज्यादा, देन आस्किंग इट्स लॉ ऑफिसर्स, यानी सरकार अपने कानून विशेषज्ञों से, कानून अधिकारियों से ये पूछे, ये कहे, टू फल्मिनेट अगेंस्ट एक्टिविस्ट, कि जो एक्टिविस्ट हैं उनकी निंदा की जाए, डिनाउंस द मीडिया, मीडिया की आलोचना की जाए, एंड क्वेश्चन द पैट्रियाटिज्म ऑफ दोज, और उन लोगों के देशभक्ति पे सवाल उठाए जाएं, क्रिटिकल ऑफ इट्स एक्शंस, जो उसके एक्शंस उसके कार्यों के प्रति क्रिटिकल हैं, मीन जो आलोचना करते हैं, ऐसे लोगों की पैट्रियटिज्म पे सवाल उठाने के बजाय, मीडिया को डिनाउंस उसके निंदा करने के बजाय,
एक्टिविस्ट को फल्मिनेट यानी उनकी आलोचना करने के बजाय, निंदा करने के बजाय, द गवर्नमेंट शुड आल्सो डू मोर, सरकार को कुछ और करना चाहिए। अर्थात सरकार को केवल एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट समझते हैं बच्चों जो लोग आरटीआई वगैरह दायर करते हैं, सरकार से पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो एक्टिविस्ट कहलाते हैं, समाज सुधारक, समाज चिंतक, समाज के बारे में सोचने वाले, कार्य करने वाले। तो ऐसे एक्टिविस्ट की निंदा करने के बजाय, फल्मिनेट करने के बजाय, डिनाउंस द मीडिया, मीडिया को मीडिया की आलोचना करने के बजाय, एंड क्वेश्चन द पैट्रियटिज्म ऑफ दोज क्रिटिकल ऑफ इट्स एक्शन, और जो लोग सरकार के कार्यों की आलोचना करें, क्रिटिसाइज करें, ऐसे लोगों की देशभक्ति पर सवाल उठाने के बजाय, द गवर्नमेंट शुड आल्सो डू मोर, सरकार को कुछ और भी करना चाहिए। और नेशनल ट्रेजेडी, एक जो राष्ट्रीय आपदा है, रिक्वायर्स अ मोर स्टेट्समैन लाइक रिस्पांस, उस एक इस प्रकार के राष्ट्रीय आपदा को जरूरत होती है अ मोर स्टेट्समैन लाइक रिस्पांस, कि वो और अधिक सुलझे हुए राजनीतिज्ञों जैसी रिस्पांस दें, प्रतिक्रिया दें, न कि ऐसा काम करें कि जब कहीं गलत काम करें वो और लोग उनको क्रिटिसाइज करें तो एक्टिविस्ट को फल्मिनेट करें, वो उनकी आलोचना करें, मीडिया की निंदा करें, या लोगों की, उन लोगों की देशभक्ति पे सवाल उठा दें जो लोग सरकार के कार्यों की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। मेन वर्ड से बच्चों देख लें, मूव आपको याद हो गया होगा, दो तीन बार पढ़ चुके आप, स्टेप नाउन के रूप में, स्टेप कदम, कॉग्निजेंस याद हो गया, हैविंग नॉलेज ऑफ, जब आप किसी चीज को अपने संज्ञान में लेते हैं, जानकारी में लेते हैं, तो आप उसे अपने कॉग्निजेंस में लेते हैं, रिकॉग्नाइज याद रखेंगे तो याद रहेगा आपको। सो मोटो, यहां बच्चों यू पहले रहेगा, ओ बाद में रहेगा, सुओ मोटो होता है, मीन्स स्वतः, स्वतः संज्ञान में लेने कार्य को सुओ मोटो कॉग्निजेंस कहते हैं। पेटिशंस क्या होते हैं, जो अपील्स होते हैं, जो मुकदमे वगैरह होते हैं वो पेटिशंस होते हैं। स्वीपिंग क्लेम क्या होता है, यानी कोई चीज ऐसे कहना जो टू जनरल हो जाए, यानी बिल्कुल साधारण हो जाए, सब पे लागू हो जाए, अर्थात जो सही ना हो। स्टेम फ्रॉम, किसी चीज से उत्पन्न होना, निकलना, कारण होना। रिजल्टेंट, परिणामतः। ओवर रूल, खारिज कर देना, किसी पहले रूल को जब कोई कोर्ट खारिज करती है तो उसे ओवर रूल करती है। स्टेलर क्या होता है, मुख्य, जो स्टार लाइक हो, यानी जो एक स्टार जैसा हो, अर्थात बड़े लोगों जैसा हो, वो स्टेलर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, दो तरह समझे बच्चों आप इसे, जैसे किसी समाज को, किसी कम्युनिटी को स्थापित करने में जिन चीजों की आवश्यकता होती है, यानी जैसे कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है, ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है, पावर लाइंस की आवश्यकता होती है, जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, या जो आधारभूत संरचना होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। फल्मिनेट याद हो गया, किसी को सीवियरली क्रिटिसाइज करना मीन्स फल्मिनेट करना, लेकिन फल्मिनेट विस्फोट होने के सेंस में भी होता है। माइग्रेंट याद हो गया, वो वर्कर्स जो जॉब की तलाश में दूसरे ही राज्यों में गए थे। प्लाइट क्या होती है, कंडीशन, मिजरेबल कंडीशन को प्लाइट कहते हैं। प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही, ऑन बिहाफ ऑफ, की तरफ से। एक जुड़स क्या होता है, समूह से गमन करना, बाहर निकलना, एक जुड़स होता है। एग्जीक्यूटिव या द एग्जीक्यूटिव क्या है, कार्यपालिका, कार्यपालिका समझते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सब। डिस्मे क्या है आपका, नाउन के रूप में, एक प्रकार की निराशा। एब्सोल्यूट, संपूर्ण, पूर्ण, अर्थात जो सर्वोच्च हो वो एब्सोल्यूट होता है। फाइंड आउट, पता लगाना। डिस्चार्ज यहां निर्वहन करना, निभाना, वैसे डिस्चार्ज हॉस्पिटल से भी किया जाता है। डिनाउंस, सार्वजनिक रूप से निंदा करना, पैंडमिक आप जानते हैं, महामारी। अनरिलेंटिंग, कठोर, बड़ी, बहुत कड़ी। ऑब्जर्व, परीक्षण करना, पता लगाना। टैकलिंग मीन्स किसी चीज को संभालना। सेट ऑफ, शुरू होना, धीरे धीरे बढ़ना। वैसे सेट से कई सारे फ्रेजल वर्ड्स बचो, लेकिन समय की वजह से अभी शायद मैं बता नहीं पा रहा हूं। फॉल आउट, किसी बुरी चीज का परिणाम। कॉल आउट, बुलाना, कहना भी होता है और किसी को क्रिटिसाइज करना भी होता है। शैम इंटू, शैम इंटू यहां ई रहेगा बच्चों, शैम इंटू अर्थात एक तरह से इतना एम्बैरेस्ड हो जाना कि कार्यवाही करना, एक्शन लेना।
ने शर्मिंदगी फील करना, इम्पोज थोपना लागू करना, ले डाउन, एक ले डाउन होता है हार मान लेना, सरेंडर कर देना, और एक ले डाउन क्या है, नींव रखना, स्थापित करना, एस्टैब्लिश करना। स्टेट्समैन एक अच्छे राजनेता को, राजनीतिज्ञ को कहते हैं। इंड्यूस्ड प्रेरित अर्थात जिसकी वजह से ऐसा हो रहा हो, मिजरी परेशानी दुख, इन एडिक्वेसीज असफलताएं कमियां, लीव इन द लर्च मुसीबत में साथ छोड़ देना, इंटरवेंशन मीन्स दखल हस्तक्षेप, अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व जैसा पहले न हुआ हो, एब्डिकेशन त्याग, जब आपने पद का त्याग करते हैं किसी के लिए यह एब्डिकेशन होता है, मीन्स त्याग देना, एम्यूलेट अनुसरण करना, फॉलो करना, स्ट्रिंजेंट हार्श कठोर, ह्यूमैनिटेरियन मानवीय मनुष्य से संबंधित, क्रिटिकल दो होता है, क्रिटिकल मीन्स महत्वपूर्ण भी होता है, क्रिटिकल मीन्स समालोचनात्मक भी होता है, एनफोर्स लागू करना, अनलीश्ड कोई चीज आ पड़ना, छूट जाना, रिलीज हो जाना, मुक्त हो जाना, लैप्सेस कमियां गलतियां, इफेसमेंट या सेल्फ इफेसमेंट महत्वहीन बना लेना, बैकग्राउंड में चले जाना, रिलेक्टेंस अनिच्छा, अबेंडन त्याग दिया छोड़ दिया, लिंगरिंग ठहरी हुई है रुकी हुई है, वल्नरेबल शोषित पीड़ित, इनिशिएटेड शुरू किया आरंभ किया, ऑन द पार्ट ऑफ की तरफ से, एवनिगेशन दूसरों के हित के लिए अपना त्याग, इंटरवीन दखल देना हस्तक्षेप करना। ठीक है, ये वर्ड्स हैं, कॉग्निजेंस का मैंने यूज किया, अनरिलेंटिंग का यूज किया, सेल्फ इफेसमेंट को मैंने यूज करके दिया, आपको देखेगा हिंदी में, सेल्फ एवनिगेशन को भी यूज करके दिया ताकि वर्ड्स आपके लिए आसान हो जाए। बच्चों जरूर आप देख लीजिएगा सारे वर्ड जो मैं पढ़ाता हूं, कुछ लाइनें मैं कहीं तेज भी हो जाता हूं इसलिए ताकि वो आप आसानी समझ ले रहे होंगे, तो आप ही का समय बच जाएगा, नहीं तो मैं आराम से पढ़ाने में विश्वास करता हूं, आराम से ही पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन कई सारे बच्चों को होता है सर समय थोड़ा सा क्या करें, मिनिमाइज करें, इसलिए मैं थोड़ा सा कहीं शायद कुछ जगह पे तेज हो जाता हूं, इसके लिए मुझे माफ करें, लेकिन मेरी इच्छा यही रहती है मैं अच्छे से पढ़ाऊं, समय लूं, बट कई चीजें होती हैं जो टीचर को देखना होता है। ठीक है बच्चों, आप जरूर चीजों को मैनेज करें, आप लाइक कमेंट और शेयर करते रहें बच्चों, दूसरे बच्चों को बताते रहें कि सुपर 60 एजुकेशन हब पे एक ऐसे टीचर पढ़ाते हैं जो शब्द दर शब्द, लाइन दर लाइन क्या करते हैं, समझाते हैं और हर बच्चे का भला चाहते हैं बच्चों। ठीक है, मैं केवल यही चाहता हूं आप हमेशा खुश रहें, चीज़ों को अच्छे समझें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें आप। ठीक है, मैं सफल नहीं हो पाया लेकिन आप क्या हो जाएं, सफल हो जाएं, और ताकि आप उस चीज़ को न देखें जो चीज़ हम जैसे लोग देखते हैं कि जिनके पास जॉब नहीं होती बच्चों वो बहुत दिक्कत में होते हैं, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं जॉबलेस हूँ, आप हर एक व्यक्ति से पूछें, स्पेशली लॉकडाउन के समय आप समझ रहे होंगे बहुत सारी चीज़ समझ में आती हैं कि काश सरकारी जॉब होती, इसलिए जरूर करिए बच्चों। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो ज्यादातर में आपके काम आना है, लाइफ में भी आपके काम आना है, नहीं सीखेंगे तो बहुत लोग आप पे व्यंग भी करेंगे, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका परिवार भी आपसे शायद रुष्ट रहेगा कि इसे इंग्लिश नहीं आती, इसलिए इंग्लिश अच्छी बना लें, वर्ड पावर अच्छी बना लें, स्ट्रक्चर वगैरह अच्छा बना लें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे हम कल 9 बजे सुबह। ठीक है, अगर इस बीच मुझे लगा कि मुझे एक्स्ट्रा सेशन देना होगा तो मैं देखूंगा, नहीं तो फिर मैं आपसे 9 बजे मिलूंगा फिर। ओके, हमेशा खुश रहें, हैव अ नाइस डे, खुश रहें हमेशा।